الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حاضرين جمعة بزرگان دین نوجوان ملت اسلامی خواتین اسلام عزیز بچے تمام قسم کی تعریفات توصیفات تصویرات و تحریرات اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و ذمہ ہے جس اللہ رب العالمین کے ہم انسانوں پر عظیم احسانات یہ بھی بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے اس سال بھی ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا اور ماہ رمضان عطا فرمانے کے بعد ماہ رمضان میں عبادتوں کی ہم سب کو توفیق عطا فرمایا اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمایا بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر بالخصوص خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک و رسولک محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. حاضرین جمعہ 25 دن سے مسلمانوں کی اکثریت اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں لگی ہوئی ہے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کر رہی ہے. جتنے بھی مسلمان ماہ رمضان میں یا ماہ رمضان کے علاوہ عبادتیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین
इब्राहिम को राजी करने की कोशिशें करते हैं। हम सब का मकसद एक ही है, वो मकसद है जन्नत का हुसूल। कि किस तरीके से हमारा खालिक और मालिक हमसे राजी हो जाए और अपने फजल और करम से हम सब को जन्नत का वारिस बना दे। ये जन्नत किन लोगों के लिए, ये जन्नत कैसी है, इसकी खूबसूरती क्या है और इस जन्नत में मिलने वाले इनामात क्या है, मुख्तसरन में आपके सामने रमजान के जाते जाते जन्नत की तरतीब दिलाने के लिए जन्नत वाले काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए आज जन्नत का तस्करा करूंगा, ताकि मुख्तसरन जब हम जन्नत के बारे में सुने तो जन्नत का शौक पैदा हो, जन्नत की तमन्नाएं पैदा हो। और सिर्फ माह रमजान ही में नहीं, बल्कि माह रमजान के जाने के बाद जब दुनिया की जिंदगी में गर्क हो जाए और कई रुकावटें ऐसी आए, जब जन्नत वाले काम करने के बजाय हम जहन्नम वाले काम के करीब हो, तो यही जुमा का खुतबा हमें याद रहे और बार बार याद दिलाता रहे कि हम इस जन्नत के लिए भेजे गए हैं। इस दुनिया की लज्जत में पढ़कर उस जन्नत जैसी कीमती चीज का सौदा ना करें। जब भी माह रमजान के बाद नमाजें छोड़ने का दिल करे, माह रमजान के जाने के बाद तिलावत कुरान से अलग होने का दिल करे, फौरन माह रमजान का ये खुतबा कि जन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किन लोगों के लिए तैयार करके रखी है और दुनिया की नेमतों से बेहतर जन्नत है, दुनिया की लज्जतों से बेहतर लज्जत जन्नत में नसीब होने वाली है। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम माह रमजान के बाद इबादतों में लगे रहे, मुसलसल अल्लाह के इबादत करते रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत किन लोगों के लिए तैयार की है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी में फरमाया, اعددت لعبادي الصالحين, इस जन्नत को मैंने तैयार किया है الصالحين जो नेक है, गोया जो हर जमाने में नेक है, हर जगह नेक है, मस्जिद में नेक है, बाजार में नेक है, सफर में भी नेक है, हजर में भी नेक है, बीवी बच्चों के साथ रहे तब भी नेक रहे, दोस्त और अहबाब के साथ रहे तब भी नेक रहे, ये जन्नत सिर्फ नेक लोगों का ठिकाना है। जन्नत में पूरे लोगों के लिए कोई ठिकाना नहीं, बल्कि पूरे लोग जन्नत की खुशबू भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो जन्नत को पाने के लिए पहले नेक बने, अच्छे बने, अपने किरदार को संवारे, फिर वो जन्नत अल्लाह ने तैयार की है नेक लोगों के लिए। माला है जिसकी नेमतों को, जिस जन्नत को किसी आंख ने देखा नहीं है, वाला उदरुन समियत, और ना ही किसी कान ने आज तक सुना है, वाला खतरा अला कल्बी बशर, और किसी इंसान के दिल में दिमाग में जन्नत के ताल्लुक से कमाहत कहो ख्याल तक पैदा नहीं हुआ। जन्नत की नेमतें जब हम सुने तो ये सिर्फ दुनिया का नाम है, जन्नत में फला फला नेमतें होगी सिर्फ नाम है, वो कैसी होगी, उसका रंग कैसा होगा, लज्जतें कैसे होगी, उसके फायदे कैसे होंगे, वाला खतरा अला कल्बी बशर, हम और आप सोच भी नहीं सकते, वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। ये जन्नत है, ये जन्नत की हकीकत है, इस जन्नत की हमेशा तैयारी करनी चाहिए। बल यतनाफसिल मुतनाफिसून, आगे बढ़ने वालों को चाहिए, सबकत करने वालों को चाहिए, होड़ लगाने वालों को चाहिए कि उस जन्नत के लिए होड़ लगाएं, आगे बढ़ने की कोशिश करें। माला है उम्र जिसको किसी ने देखा नहीं। जन्नत किस कदर खूबसूरत है, जन्नत के इनामात कितने बेहतरीन हैं, इस हदीस से हम और आप अंदाजा लगाएं और कुरान
जन्नत में हुस्न का तसव्वुर पैदा करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना, जिन्होंने माहे रमजान में या माहे रमजान के अलावा अहसनु अच्छे अच्छे अमल किए, खालिस अमल किए, खूबसूरत नमाजें पढ़ी, खूबसूरत तिलावत की, तिलावत कुरान की, खूबसूरत रोजे रखे, अल्लाह के सामने हाथों को फैलाए, अहसनु जितने ज्यादा इनके आमाल खूबसूरत है अल हुस्ना, अल्लाह ने उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत जन्नत को बनाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेक लोगों के लिए, अच्छे आमाल करने वालों के लिए जिस जन्नत को तैयार किया उसका नाम ही अल्लाह ने हुस्ना रखा है, ब्यूटी सबसे बेहतर है, सबसे खूबसूरत है, और इसलिए कि बनाया उस रब ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसा कि बास अहले इल्म ने इस हदीस को सही करार दिया है, चार चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हाथ से बनाया और दुनिया की तमाम मखलूकात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लफ्ज़ से उनसे पैदा किया है। अल्लाह कहता है हो जा, वो चीज हो जाती है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लफ्ज़ से उनसे पैदा होने वाला कश्मीर, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लफ्ज़ से उनसे बनने वाला स्विट्जरलैंड, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लफ्ज़ से उनसे बनने वाली खवातीन जिसे आज लोग मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स कहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लफ्ज़ से उनसे बनने वाले सोने और चांदी के जवाहरात किस कदर हम और आपकी आंखों को खीरा कर देते हैं। हम और आप बार बार कोशिश करते हैं कि जन्नत जो दुनिया की जन्नतें हैं उसमें जाए, बार बार जाए, लेकिन इंसान कश्मीर में दो बार जाए, तीन बार जाए, उतर जाता है तो वही चीजें बार बार नजर आ रही है। कोई स्विट्जरलैंड जाता है पिकनिक के लिए, कोई मनाली जा रहा है, कोई दुनिया के अलग अलग चप्पे में जा रहा है, और वहां जाने के बाद जब वो नजारे देखता है और अपने मोबाइल में कैप्चर करता है तो उसे एहसास होता है कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, इसका बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा, जिसने लफ्ज कुन के जरिए से इन चीजों को पैदा किया है उस जन्नत का क्या आलम होगा, उसके हुस्न और जमाल का क्या कहना जिसके हुस्न और जमाल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हाथ से बनाया है। ये जन्नत है, ये जन्नत का तसव्वुर है जो कितनी खूबसूरत होगी कि जिसकी नेमतें बार बार बदलती रहेंगी, जहां कोई नेमत में सवाल नहीं है, फना नहीं है, बल्कि एक बार देखेंगे वो अलग नजर आएगी, दूसरी बार देखेंगे वो अलग नजर आ जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन किस तरीके से जन्नत की नेमतों को तब्दील करता रहेगा, वहां कोई उकताहट नहीं है, वहां इंसान ऐसा रहे कि अल्लाह सालों से यही जन्नत देख रहे हैं, उकता चुका हूँ, एक बार फिर दुनिया में भेज दे, इंसान कभी इस दुनिया की तमन्ना तक ना करेगा। जिस दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर माहे रमजान के जाने के बाद अल्लाह को भूलने वाले मुसलमान है, जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूलने वाले मुसलमान माहे रमजान के बाद इन मस्जिदों को खैर-आबाद कहने वाले हैं, उनके लिए हमेशा ये याद रखने वाली चीज है कि दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अगर उस खालिक और मालिक को भूल गए, दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर, दुनिया की लज्जतों में गिरफ्तार होकर उस जन्नत का अगर सौदा करते हुए नजर आए कि दुनिया के सबसे फाइन इंसान है, खसारे में जन्नत की खूबसूरती क्या है, वो जन्नत में मिलने वाले इनामात के नजारे चंद में आपके सामने रखूंगा, ताकि दुनिया में जो चीजें हैं उनकी वजह से हम जन्नत को ना भूलें। माहे रमजान के बाद जिन जिन चीजों की वजह से हम अल्लाह की जन्नत को भूलने वाले या मुसलमान भूल जाते हैं, मुसलमान अल्लाह को छोड़ देते हैं, ऐसा लगता है माहे रमजान का रब अलग है और माहे शवाल का रब अलग है, कभी ऐसा ना हो, हमारे आमाल से, हमारे अकवाल से हम ऐसा साबित ना करें, ये रमजान का रब अलग है जिसका हुक्म मानते हुए सहरी करते हैं, जिसका हुक्म मानते हुए इफ्तारी करते हैं, और माहे शवाल का रब अलग है जिसका हुक्म हम मानने के लिए तैयार नहीं है। जन्नत में जो नेमतें मिलने वाली है, जन्नत में जो चीजें मिलने वाली है,
हकीकतें क्या है वहां तक हम पहुंच नहीं सकते, बल्कि करीब तक पहुंचने की कोशिश करें। खासतौर से मकराना वाले हम सब ज्यादा से ज्यादा खाने और पीने में लगे, और रोजाना हर 10 दिन में 15 दिन में नई नई होटलों की ओपनिंग होती है। ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारा काम खाना और पीना है, और उस खाने और पीने की मोहब्बत में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये मुअज्जिन माह रमजान के अलावा हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह दिन में पुकारता रहता है, लेकिन खाने और पीने में इस कदर मस्त हो जाते हैं कि हम अपने खालिक और राज़िक को भूल जाते हैं। इसलिए जब भी मुसलमान खाने और पीने की चीजें उसे याद आए, जन्नत की नेमतें वो याद कर ले, जो गोश्त के शौकीन है जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन तरह तरह के गोश्त से मेहमान नवाजी करने वाला है, बल्कि शुरुआत ही मछली के गोश्त से होने वाली है, और उसके बाद परितों के तरह तरह के गोश्त मुहैया होने वाले हैं। अगर भूलवा गोश्त खाना है, सेंटीली चीजें इस्तेमाल करनी है, सिर्फ तमन्ना करना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन वहाँ हाजिर कर देगा। जो मेवे के शौकीन है, जो फल और फ्रूट के शौकीन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए अंगूर तैयार करके रखे हैं, सेब है, केले है, अनार है, गर्जे की तरह तरह के मेवा जात है, और जब इंसान खाएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेगा ऐसा लग रहा है ये तो पहले खा चुका हूँ, जो ही वो उस केले को इस्तेमाल करेगा उसे एहसास होगा वो केला अलग था और ये केला अलग था। किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन जायके को तब्दील कर देगा। हर तरह की नेमतें खाने और पीने में मैसर होने वाली है, जो आंखों को सुरूर बख्शने वाली है, जो आंखों को ठंडक पहुंचाने वाली है, हर तरह का इंतजाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है। आज दुनिया में जो मोमिन है, जो अल्लाह को मानने वाले हैं, दुनिया में तरह तरह की शराबें आ रही है, हर जगह हम और आप सफर करते हैं, हर तरह की शराब मौजूद है। जो मोमिन है अपने दिल को मानता है कि दुनिया की शराब है, कि जिसको पीने के बाद होश और हवास नहीं रहता है, वो इंसान जो इसको पी लेता है एक गंदे नाले में पड़ा हुआ है, और उसे एहसास हो रहा है कि मैं 7 स्टार होटल में सो रहा हूँ, वो इस तरह के एहसास में पल रहा है, लेकिन वहाँ की शराब, जब इंसान यहाँ की शराब को छोड़ता है, यहाँ की लज्जतों को अल्लाह के लिए तर्क कर देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी शराब तैयार करके रखी है, वो सफा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी शराब तैयार करके रखी है, शराब तहूरा, जो पाक शराब है, जो इंतहाई पाक है, ला फीहा बौलन वला हुम अनहा युनसफून, जिसको पीने के बाद ना इंसान की अकल खराब होती है और ना ही इंसान बीमार होता है, बल्कि उसकी लज्जत अलग है, जिताहु मिस्क, उसमें मुश्क की खुशबू आ रही होगी, मुश्क की खुशबू मिली हुई है, और उस पर जो महर लगा हुआ है, जो मुहर है, जिताहु मिस्क, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुश्क की मुहर लगाए। ये शराब है, ये खाने और पीने की अशिया है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में तैयार करके रखी है। दुनिया का खाना खाते हैं बदहजमी हो जाती है, दुनिया का खाना खाते हैं शुगर के पेशेंट, दिल करता है फला चीज खा ले, लेकिन शुगर के बढ़ने का खदशा है, बीपी बढ़ने का खदशा है, पेट भरने का खदशा है, बदहजमी का खदशा है, ऐसी बीपी है, फला फला बीमारियां है, नेमतें सामने होने के बावजूद भी इंसान खा नहीं पाता है, वहाँ खाने के बाद ना कोई बीमारी है, ना पेट भरने का खदशा है, ना एसिडिटी है, ना कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, बल्कि ना पेशाब है, ना पाखाना है, अल्लाह के हुक्म से एक पसीना निकलेगा जिसकी वजह से पेट बिल्कुल खाली हो जाएगा, और उस पसीने से जो खुशबू आ रही होगी वो कस्तूरी और मुश्क की खुशबू होगी, और एक नगार आएगी जिसकी वजह से खाना बिल्कुल पसंद कर दिया जाएगा। ये मुख्तसर खाने और पीने के ताल्लुक से चीजें थी। जिस दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर बाजार में जब जाते हैं,
माहे रमजान के बाद हम अपनी दुकानों को खोलेंगे, अपने गोदाम के पास जाएंगे, बाजारों में जाएंगे और माएं और बहनें भी बाजारों की बड़ी शौकीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शौक को पूरा करने के लिए जन्नत में एक बाजार रखा है। वो दुनिया का बाजार नहीं है, वो बाजार ऐसा है जहाँ मर्द जुमा और जुमा बाजार में जाएंगे और वहाँ जब जाएंगे जितने खूबसूरत होंगे एक हवा चलेगी, उस हवा के चलने के बाद वो दुनिया की आंधी नहीं, वो दुनिया की हवा नहीं है जिसके चलने के बाद कपड़े खराब हो जाते हैं, जिसके चलने के बाद बाल निकल जाते हैं और जिस हवा के चलने के बाद इंसान का चेहरा पहचानना मुश्किल हो जाता है। वहाँ जब जुमा और जुमा को बाजार में हवा चलेगी, हवा चलने के बाद उसके लिबास उससे बेहतर खूबसूरत हो जाएंगे, चेहरा और ज्यादा चमकने लग जाएगा, वो घर तशरीफ लाएगा, बीवियां इस्तकबाल करेंगी, बीवियां उससे और ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगी, बीवियां कसम खा करके कहेंगी वल्लाह आप बाजार गए थे इतने खूबसूरत तो न थे, आप बाजार गए थे आपके लिबास इतने खूबसूरत नहीं थे। और शोहर ये कहेगा अल्लाह की कसम जब मैं बाजार गया था तो आप इतनी खूबसूरत नहीं थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन बाजार के बाद मंजर तब्दील कर देगा, रंग तब्दील कर देगा, हुस्न बदल देगा। ये जन्नत का बाजार है जो दुनिया के बाजार के मुकाबले में कितना हसीन है, कितना बेहतरीन है। जहाँ दुनिया में सिर्फ शोर है, शगब है, लड़ाइयाँ है, झगड़े और फसाद है, और वहाँ सब वो काम होते हैं जो अल्लाह की जन्नत से दूर करने वाले हैं। तो मुसलमानों इस बाजार के चक्कर में पड़कर अपनी आखिरत को बर्बाद ना कर लेना, इस बाजार की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर और इसकी खरीदारी में लग कर आखिरत के बाजार से कभी काफिल ना हो जाए। यही पैगाम है माह रमजान से जाने के बाद। आज पासपोर्ट से मुस्लिम नौजवान लड़के जिस तबाही के दहाने पर जा रहे हैं और जिस हुस्न के चक्कर में पड़कर अपनी इज्जतों का सौदा कर रहे हैं और रातों रात मोबाइल पर लगकर किस कदर वो इश्कबाजियां कर रहे हैं, अल्लाह की हुर्मतों को पामाल कर रहे हैं, जिस मोहब्बतों में गिरफ्तार होते हैं वो मोहब्बत चंद दिन की है, वो खूबसूरती चंद दिन की है, सब चीजें दुनिया ही में फना होने वाली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नौजवानों के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों के लिए ऐसी हूरों का इंतजाम किया है, ऐसी बीवियों का इंतजाम किया है। जब भी यहाँ की बीवियाँ, जब भी यहाँ की लड़कियाँ अगर हमारे ईमान को खराब करती ही नजर आ रही है, अगर उनके हुस्न की वजह से हम सब भूल जाते हैं तो जन्नत के हुस्न को एक बार याद करना, बार बार कुरान पढ़ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसी हूरे तैयार करके रखी है, उनकी सिफात क्या है, वो कितनी खूबसूरत है, जरा उनकी खूबसूरतियों का अंदाजा लगाए। वलहुम फीहा अज़वाजुन मुतहरा, हर इंसान के लिए, हर मुसलमान जो जन्नत में जाएगा उसमें पांच पांच बीवियां हैं जो हमेशा पांच रहने वाली है, ना कोई हैज है, ना निफास है, ना किसी भी तरह की बू और गंदगी है, बल्कि हमेशा वो पांच पांच बीवियां हैं। उनके सर पे जो दुपट्टा होगा खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, दुनिया की तमाम चीजों से बेहतर उसकी कीमत है, उसकी खूबसूरती है। अगर वो दुनिया में एक बार झांक ले और उसका पल्लू दुनिया में जाहिर हो जाए तो दुनिया इस कदर रोशन हो जाए कि दुनिया का एक किनारा दूसरे किनारे को रोशन करता हुआ नजर आए। ये खूबसूरती है, ये हुस्न है, ये जमाल है। वहां के हूरों का उनके ऊपर जो लिबास होगा, अल्लाह कुल ज़ौजतिन सबरूरहुल्ला, हर हूर 70-70 लिबास पहने हुई होगी। आज जो माएं और बहनें लिबास में अल्लाह के हुदूद को भूल जाती है और लिबास की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर नमाजों को भूल जाती है, तिलावत कुरान को भूल जाती है, बल्कि अक्सर बेशतर शोहरों की नाफरमानी में लग जाती है। और माओ और बहनों के लिए पैगाम है इन कपड़ों में पढ़कर अल्लाह को ना भूलना, याद रखे वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन एक एक हूर को 70-70 लिबास पहनाने वाला है। युरा मुखा साफिया मिमरा लिया, 70 लिबास पहनने के बाद भी जिस्म का गूदा नजर आ रहा होगा, ये हुस्न है, ये खूबसूरती है जो कभी
फना होने वाली नहीं, जो कभी खत्म होने वाली नहीं। हम उम्र होगी, कुंवारियां होगी, रूहन अंतरात्मा बेपना मोहब्बत करने वाली होगी, दुनिया की बीवियों की तरह बात बात पर शिकवे और शिकायत करने वाली नहीं, लड़ने वाली नहीं, झगड़े करने वाली नहीं। रूहन अंतरात्मा हम उम्र है, बेपना मोहब्बत करने वाली है। और जो दुनिया की बीवियां हैं, अगर वो दुनिया में सवर जाती है, अच्छे अखलाक के हामिल बन जाती है, अल्लाह को राशि कर लेती है, अपने शोहरों की फरमा बरदार बन जाती है, तो ये हूरे भी उनके सामने मान रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें जो खूबसूरती अदा फरमाएगा, दुनिया की बीवियों को वो हूरों के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा है। यहाँ तक कि इन बीवियों के हुस्न और जमाल का कोई सानी नहीं है, कोई बयान नहीं कर सकता है। निशाउद दुनिया अफ़ज़ल मिन अल-हूर अल-बीन, कि दुनिया की बीवियां अगर वो जन्नत में जा रही है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें जो खूबसूरती अता फरमाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें रानी बना कर रखेगा। मिन अल-हूर अल-बीन, वो हूर अल-बीन की सरदार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, बीमारा ये फजीलतें दुनिया की औरतों को क्यों मिलने वाली है? बिसलातिहिन्ना वसियामिहिन्ना वलिबातिहिन्ना, अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वजह से वो दुनिया में रहकर नमाज़ें कायम करने वाली, रोजे रखने वाली, अल्लाह की इबादत करने वाली थी। गोया यहाँ की बीवियाँ ये चाहती थी कि मैं अपने शोहर के लिए खास हो जाऊँ, और मुझे मेरा शोहर जन्नत में मिल जाए तो जन्नत वाले काम करे, जन्नत वाली नमाजें अदा करते रहे, और शोहर की इताअत और फरमाबरदारी के साथ जिंदगी गुजारे। और जो नौजवान जिनके दिलो दिमाग में हमेशा शहवत ही दौड़ती रहती है, जिस्मानी ख्वाहिशात ही चक्कर लगाती रहती है, वो इस हदीस को भी याद रखे कि जिस दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर जिनसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए नाजायज हरबे और नाजायज रास्ते अपनाते हैं, वो इस हदीस को याद रखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि हम जन्नत में अपनी बीवियों के पास जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, ऐसे जन्नती भी होंगे जो अपनी सौ सौ बीवियों के पास जाएंगे। यानी जैसे आमाल है, किसी को दो मिलने वाली है, किसी को बहत्तर मिलने वाली है, किसी को सौ सौ मिलने वाली है, जैसे आमाल होंगे, जैसे दर्जात होंगे, कि एक एक दिन में इंसान सौ सौ कुंवारी बीवियों के पास जाने वाला है। मुसलमानों, दुनिया के हुस्न में गिरफ्तार होकर आखिरत के हुस्न का कभी सौदा न करना। दुनिया की लड़कियों के चक्कर में पड़कर, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के चक्कर में पड़कर आखिरत की हूरे दीन का कभी सौदा न करना। जब इस तरह की नाजायज ख्वाहिशात शैतान हमारे दिलों और दिमाग में डालता है, कभी मस्जिद आना, कुरान को उठाना, और कुरान में जिन हूरों की तफसील बयान की गई है, किस उम्र की होगी, कैसी खूबसूरती होगी, किस तरीके से इंतजार कर रही होगी, और किस तरह के खेमों में नजर आ रही होगी। इंशाअल्लाह जब मुसलमान कुरान को पढ़ेगा, वो दुनिया की तमाम लज्जतों को भूल जाएगा, और इंसान खुद कितना खूबसूरत होगा जो पहला जनता पहला गिरो जन्नत में जाने वाला है, चौधरी की चांद की तरह चमक रहा होगा, उसके बाद जाने वाला सितारों की तरह चमक रहा होगा, दमक रहा होगा, और इस कदर खूबसूरत नौजवान होंगे, इस कदर खूबसूरत की जवानी होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको जवान बनाएगा। 30 से 35 साल की उम्र होगी, कोई दाढ़ी नहीं, दुनिया में दाढ़ी रख ले, दुनिया में दाढ़ी रखे वहाँ दाढ़ी खूबसूरती नहीं, दुनिया में दाढ़ी खूबसूरती है, लेकिन वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन जो जवानी अता फरमाएगा, वो बिल्कुल जवानी का पहला कदम होगा, जहाँ कोई बाल नहीं बल्कि खूबसूरत आंखें हैं, खूबसूरत बाल होंगे, और उसके अलावा जिस्म पर दूसरे बाल ना होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी खूबसूरती अता फरमाएगा कि अगर एक नौजवान एक जन्नती दुनिया में झांक ले, तो पूरी दुनिया रोशन हो जाए। और जो हाथ में कंगन पहने हुए होंगे, जो हाथ में लिबास पहने हुए होंगे, अगर उसकी झलक दुनिया में पड़ जाए, तो ये सूरत भी बुझ जाए, ये सूरत भी मांद पड़ जाए, सूरज की रोशनी खत्म हो जाए। ये जन्नत की खूबसूरती है, ये जन्नत के नौजवानों की खूबसूरती है, ये जन्नत के जन्नतियों की खूबसूरती है। और वहां की कुव्वत और ताकत, जब इतनी चीजें खाने को मिल रही है और इतनी बीवियां मिल रही है, तो हमेशा
इंसान के जहन में ये ख्याल आता है कि दुनिया में इतनी ताकत नहीं, दुनिया में इतनी कुवत नहीं है, चीजें तो है लेकिन ताकत खत्म हो जाती है। बीमारी के डर से इंसान कई चीजें छोड़ देता है, वहाँ जो ताकत मिलने वाली है। एक एक आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन 100-100 आदमियों की कुव्वत अता फरमाएगा। फिल अदली वश्शुरी वश्शहवती वलजिमाई, खाने की ताकत 100 आदमियों की, पीने की ताकत 100 आदमियों की, और जिमा करने की ताकत भी 100-100 आदमियों की अल्लाह अता फरमाने वाला है। चाहिए कि आगे बढ़ने वाले इस जन्नत की तरफ के लिए आगे बढ़े, इस जन्नत के लिए काम करे। नहीं महाजुल आमिली, ये काम करने वालों के लिए बेहतरीन अजर है, बेहतरीन सवाब है, बेहतरीन मेहमान नवासी है। आज औलाद के मुहब्बतों में गिरफ्तार होकर उस खाली को भूल जाते हैं, या जिनकी औलाद नहीं है वो ना जाने औलाद को हासिल करने के लिए किन किन के दर पे जाते हैं। एक खालिक एक रहमान का सौदा कर देते हैं, उसकी तौहीद का सौदा और ईमान का सौदा करते हुए नजर आते हैं वहाँ औलाद की। इंसान का दिल चाहेगा कि अल्लाह मेरे पास लड़के और लड़कियां हो जाए, आंख की आंख में हमल होगा और आंख की आंख में वदे हमल होगा। 9 महीना नहीं, डॉक्टरों को दिखाना नहीं, डिलीवरी का कोई इंतजाम नहीं। इदस्ता हल वलदा फिल जन्ना काना हमहु व वदहु फी साअति वाहिदा, जो इंसान अल्लाह से तलब करेगा कि अल्लाह ख्वाहिश हो रही है औलाद मिल जाए, उसके बाद उसकी तमन्ना होगी और उसी आन काना हमहु हमल होगा, उसकी बीवी प्रेग्नेंट होगी, व वदहु और उसके फौरन बाद उसके सामने बच्चा होगा। किस कदर खूबसूरत है, कितनी बेहतरीन ख्वाहिशात है जो जन्नत में मिलने वाली है। और जिन महल्लात को बनाने के लिए आज हम ना हलाल देखते हैं, ना हराम देखते हैं, ना अपने भाइयों के हुकूक देखते हैं, ना बीवियों के हुकूक देखते हैं, ना बच्चों के हुकूक की कोई परवाह है, और ना ही बहनों की विरासत की कोई परवाह है। बस महल तामीर हो जाए, बिल्डिंग मेरी बन जाए, वहाँ के महल्लात कैसे होंगे, वहाँ के खेमे कैसे होंगे, इंसान सोच भी नहीं सकता है। जिसकी एक ईंट सोने की है तो दूसरी ईंट चांदी की होगी, और उसमें जो मसाला है वो कस्तूरी का होगा, वो खुश्क का होगा, वहाँ की कंकड़िया याकूत की होगी। इस कदर खूबसूरत जन्नत है, इस कदर बेहतरीन महल्लात मिलने वाले हैं। इन महल्लात के लिए रोजाना तैयारी कीजिए, कितनी ऐसी चीजें हैं, भला काम करेंगे अल्लाह जन्नत में एक मकान बना देगा। दुनिया के मकान के लिए 60-70 साल तक न जाने काला और पीला करते रहते हैं और अपने इज्जतों को बेचते रहते हैं। अगर दुनिया में कुछ मिले न मिले, आखिरत में महल्लात तामीर कीजिए, आखिरत में घर तामीर कीजिए, जो ऐसे घर होंगे एक ही हीरे से अल्लाह रब्बुल आलमीन तराश कर ऐसा घर बनाएगा जिसके जाहिर से बाहर नजर आएगा, जिसके बाहर से अंदर नजर आएगा। हर चीज जाहिर होगी, एक एक कोने में एक एक बीवी होगी जो एक दूसरे को नजर न आएंगे, और हर इंसान उनके पास जाएगा, अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर लेगा। ये जन्नत है, ये जन्नत के महल्लात है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन किस तरह की जन्नत देने वाला है। यहाँ दुनिया में उम्दा से उम्दा कोठिया बना लेते हैं, महल बना लेते हैं, लेकिन फिर भी बाहर का शोर है, शगब है, टेंशन है, परेशानियां है, थकान है। जन्नत में जो महल्लात होंगे, ना बाहर का शोर होगा, ना अंदर लड़कों का कोई शोर है, ना नवासों का शोर है, ना पोतों का शोर है, ना कोई लड़ाई है, ना झगड़ा है, बस आराम ही आराम है। इस जन्नत के लिए हम और आपको तैयारी करनी है, इस जन्नत के लिए कोशिशें करनी है, इस जन्नत के लिए तन मन धन की बाजी लगा देनी है, ताकि हम सब इस जन्नत के वारिस बन जाए। आखिरी जन्नति जब जन्नत में जाएगा, उसे कितने अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत देगा, वो जितनी मांगेगा अल्लाह देता जाएगा। उसके बाद वो कहेगा बस सब कुछ मिल चुका है, फिर अल्लाह कहेगा जितना मिल चुका है उसका 10 गुना और ज्यादा तुझे दिया जाता है। ये आखिरी जन्नती को मिलने वाला इनाम है, जो पहले जाएंगे उनको कितने इनाम अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाला है। अभी सिर्फ जन्नत की नेमतें थी जो जाहिरी थी, अल्लाह जन्नत में नफ्सियाती देगा, नफ्सियाती नेमत देगा। इंसान के पास सब कुछ हो, अगर वो टेंशन में है, परेशानियों में है, उसे नाराजगी का डर है, तमाम नेमतें उसके सामने हैं, लेकिन वहां जब तमाम नेमतें मिल जाएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन हाजिर होगा।
जन्नती कहेंगे लब्बैक वसल्लैक ए अल्लाह हम हाजिर हैं, अल्लाह पूछेगा और क्या चाहिए, जन्नती कहेंगे अल्लाह सब कुछ तो मिल चुका है, हर तरह की नेमतें हमें मयसर आ चुकी है, अब हमें क्या चाहिए, अल्लाह कहेगा आज मैं तुमसे राजी हो चुका हूँ, आज के बाद अब कभी मैं तुमसे नाराज ना होगा। ये वो सुनेंगे और सुनने के बाद जन्नती खुश हो जाएंगे कि अब अल्लाह की नाराजगी का कोई डर नहीं है। दुनिया में जो नेक लोग हैं हमेशा डरते रहते हैं कहीं नेकियों में कोताही ना हो जाए, कहीं मासूम के काम ना हो जाए, हमारा खालिक नाराज ना हो जाए, और वो नाराज होगा दुनिया भी बर्बाद है आखिरत भी बर्बाद है। और रिज़वानुम मिनल्लाह अकबर, अल्लाह के जो रिज़वान मिलने वाली है वो सबसे बड़ी है, लिहाजा उस जन्नत की तैयारी करें जहाँ अल्लाह की रजामंदी मिलने वाली है। अल्लाह की रजामंदी के बाद एक सबसे बड़ी नेमत है जिसके बारे में हम आप सुनते रहते हैं, वो अल्लाह का दीदार है। للذين احسنوا الحسنى وزيادة, जो अच्छे काम करने वाले में हुसना मिल जाएगी, उन्हें बेहतरीन जन्नत मिल जाएगी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतियों से सवाल करेगा क्या नेमत चाहिए, किस चीज की कमी है, जन्नत वाले कहेंगे कि अल्लाह तूने सब कुछ तो दे दिया है, हर तरह की नेमत मयसर आ चुकी है। फिर अल्लाह अपना हिजाब हटाएगा, अपना पर्दा हटाएगा और खालिक और मालिक का दीदार होगा। मुसलमानों आज दुनिया में दीदार करने के लिए किस किस तरह के हरबे अपनाते हैं, दुनिया की खूबसूरती के लिए हलाल और हराम सब भूल जाते हैं, लिहाजा अल्लाह के दीदार की तैयारी कीजिए। अल्लाह का दीदार सिर्फ खुश नसीबों को मिलने वाला है, वही मोमिन कामयाब होने वाले हैं जिनकी पहली सिफत नमाज है, जो हमेशा अल्लाह की इबादत करने वाले, माह रमजान में भी नमाज पढ़ने वाले, माह रमजान के बाद भी नमाज पढ़ने वाले। मुसलमानों क्या उस जन्नत की तलब नहीं है कि जिस जन्नत में अल्लाह के हबीब अल्लाह के खलील होंगे, जिस जन्नत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, दुनिया में हमें नबी का दीदार नसीब ना हो सका, दुनिया में हमें नबी की सोहबत ना मिल सकी, कम से कम ऐसे काम करें जन्नत वाले अमल करें जिसकी वजह से अल्लाह हमें जहाँ अपना दीदार नसीब करवाए वही अपने हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत नसीब फरमा दे। अगर जन्नत में कुछ ना हो सिर्फ एक नेमत मिल जाए कि वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो जाएगी, तो क्या ये नेमत काफी है, उसकी तैयारी कीजिए, उसके लिए जो कुछ हो सके फांसी लगा दे। इसके लिए काम करने वालों को काम करना चाहिए। अल्लाह का जो सामान है बड़ा महंगा है, ये आसानी से मिलने वाली जन्नत नहीं है। अल्लाह ने जन्नत का जो सौदा किया है वो माल के बदले में, वो जिस्म के बदले में, जान भी कुर्बान है, माल भी कुर्बान है, तमाम चीजें कुर्बान है, तब जाकर जन्नत मिलने वाली है। जन्नत इतनी आसान नहीं है कि जुमा और जुमा नमाज पढ़ ले जन्नत मिल जाएगी, जन्नत इतनी आसान नहीं है और इतना कम सरमाया नहीं है, इतना हल्का नहीं है जितना हमने समझ लिया है कि चाहे जो कर ले, मन आए तो नेकी कर ले, मर्जी आए तो गुनाह में लग जाए, मर्जी आए तो इबादतें कर ले, जब मर्जी आए अल्लाह को नाराज करने वाले काम कर ले। जन्नत कितनी भी आसान नहीं है जितना हमने समझ लिया है। जन्नत को ख्वाहिशात से घेर दिया गया है, अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल कर ले, जितना मुमकिन हो सके सब्र करते रहे, तब जाकर जन्नत मिलने वाली है। इन जन्नत की नेमतों के लिए मेहनत की जरूरत है, कोशिश की जरूरत है, हर आन मेहनत करे, हर आन कोशिश करे, अल्लाह को राजी करने वाले अमल करते रहे, दुनिया में भी और दुनिया से जाने के बाद आखिरत की फिक्र में लगे रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जन्नत का वारिस बना दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी तमाम नेकियों को कबूल फरमाए। तो जन्नत का तलबगार है उस तालु से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा रईतु मिथल अन्नार ना महारिकुहा वला मिथल अल जन्नति ना मतालिकुहा,
कि जो जहन्नम से भागने वाला है मैंने उसको कभी सोता हुआ नहीं पाया, और जो जन्नत को तलब करने वाला है मैंने उसे भी कभी सोता हुआ नहीं पाया। गोया हम पूरी जिंदगी सोते रहे, पूरी जिंदगी आराम करते रहे, पूरी जिंदगी लहू लय में लगे रहे, और दुनिया में पढ़कर उस आखिरत को भूल जाए और फिर तमन्नाएं करें, आंसुएं करें कि हमें जन्नत मिल जाएगी। जन्नत इतनी आसान भी नहीं है, इसलिए हमेशा याद रखें वाहबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन। इबादत उस वक्त तक करना है जब तक कि आखिरी सांस बाकी है, जब तक आखिरी सांस बाकी है, जब तक मौत ना आ जाए अल्लाह की इबादत में लगे रहे। या अय्युहल लजीन आमनु उदखुलु फिस्सिल्मि काफ्फा, ये ईमान वालों जन्नत चाहते हैं मुकम्मल तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाए, मस्जिद में भी मुसलमान रहे, बाजार में भी मुसलमान रहे, शादी हाल में भी मुसलमान रहे, रमजान जाने के बाद शादियों में रब को कभी नाराज ना करना, खुशियों में कभी रब को नाराज ना करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हकीकत को और हमेशा इस दीदार को याद रखना कि अल्लाह का दीदार नसीब होने वाला है, जन्नत मिलने वाली है, लेकिन जन्नत वाले काम करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत देने वाला है। इसलिए हमेशा इस खुतबे को या इसके अलावा जो किताबें हैं या दुरूस हैं बार बार जो जन्नत से दूर होते रहे वो जन्नत वाले काम करते रहे, जन्नत की हकीकत को पढ़ते रहे, कुरान से अपने ताल्लुकात को मजबूत रखे, और उसके बाद भी अगर करीब नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम कभी जहन्नम का तस्किरा पढ़ ले, जहन्नम के बारे में पढ़ ले कि जहाँ जन्नत में नेमतें हैं वहाँ जहन्नम में किस कदर संगीत और भयानक अजाब की शक्ल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको माफ फरमा दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे जाहिर और बातिन को पाक और साफ कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन माह रमजान में जितनी टूटी फूटी इबादतें की है अल्लाह हमारे कयाम को कबूल फरमा ले, अल्लाह हमारे सियाम को कबूल फरमा ले, तिलावत कुरान को कबूल फरमा ले, हमारे सदकात और खैरात को कबूल फरमा ले, हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे आंसुओं को कबूल फरमा ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब तेरे घर में बैठकर जन्नतुल फिरदौस का सवाल करते हैं। اللهم انا نسالك الجنه الفردوس، اللهم انا نسالك الجنه الفردوس، اللهم انا نسالك الجنه الفردوس، اے اللہ ہم سب عذاب جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اے اللہ جب تک زندہ رکھے دین اسلام کے ساتھ زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالغیب کے ساتھ الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وتمر